जातिलाई जनजातिको दर्जा दिलाउँछु भनेर जुन यो शीतकालीन सत्रमा संसदमा पेश गरिने भारतीय जनता पार्टी अनि विमलपन्थी टोलीले बारम्बार गएर भेट गरेर जुन आश्वासन दिएको थिए त्यो आश्वासनको विपरीत हामीले पायौँ, किनभने 63 बिल पेस गर्नेमा हाम्रोमा छैन र यसमा हाम्रो पार्टीले आज एउटा निर्णय लिएको छ कि 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा दिलाउनको निम्ति हामी कुनै पनि कसर छोड्ने छैनौँ र आजदेखि यसको विरोधमा दार्जिलिङ पहाडभरि व्यापक पार्टीको तर्फबाट पोस्टरिङ आदि गर्दैछौँ अनि केही दिन पश्चात हामी कतिवटा कार्यक्रम यस विषयलाई लिएर हामी फ्याँक्छौँ तर जनतालाई त्यो कार्यक्रमले कुनै प्रकारको दुःख कष्ट हामी दिन चाहँदैनौँ तर त्यो कार्यक्रम हामी जरुर गर्छौँ अनि अन्तमा यदि आवश्यक परेको खण्डमा हामी 11 जनजातिलाई जातिलाई जनजाति दर्जा दिलाउनको निम्ति केन्द्र सरकारलाई फेरि पनि एउटा रेजुलेसन एडप्ट गरेर पठाउँछौँ जसमा उनीहरूले संसदीय मामिला मन्त्री र मन्त्रालयले त्यो अहिलेको 63 64 बनाइदिएको हुनुपर्छ र संशोधित सूची तयार गरेर पेस गरिएको होस् अनि त्यो बिल पास भएको हुनुपर्छ र यसमा हामीले आवश्यक परेको खण्डमा हामी जनतालाई दुःख नदिकन 11 जातिको उन्मुक्तिको लागि 11 जातिको उहाँहरूको भलाइको लागि हामी आमरण भोक हडतालमा जानु पनि सक्छौँ अनि यदि मेरो पनि आवश्यकता आमरण भोक हडतालमा पर्ने यदि स्थिति आयो भने म आमरण भोक हडतालमा जानु तयार छु तर यसमा कुनै जात गोष्ठी उहाँहरूलाई हामी निमन्त्रणा दिँदैनौँ कारण उहाँहरूलाई दुःखमा हाल्न चाहँदैनौँ केवल हामी पार्टीगत हैसियतले पार्टीका नेतृत्वहरू हामी आमरण भोक हडतालमा यदि परिस्थिति आएको खण्डमा हामी अवश्य दार्जिलिङमा बस्नेछौँ तर जनतालाई र यहाँको शान्ति प्रक्रियालाई हामी भङ्ग गर्न चाहँदैनौँ अनि जनतालाई कुनै प्रकारको दुःख दिन चाहँदैनौँ। जनता पार्टी गभर्मेन्टले जो हामीलोको और एसएस अलवालीजीले पनि 11 कम्युनिटीको ट्राइबल रिकग्निसनको लिए जो बिल पेस गर्नेको बात किया था और बहुत दुख की बात है कि 63 बिल्स में हमारा वो इंक्लूजन नहीं किया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत और हम लोग आज डिसाइड किया पार्टी की तरफ से कि चारों तरफ आज दार्जिलिंग हिल्स में पोस्टरिंग हो रहा है और आने वाला दिन में यहाँ का पीस एंड स्टेबिलिटी को देखते हुए और पब्लिक को अलग रखते हुए हम लोग 2-4 कार्यक्रम प्रोग्राम पार्टी प्रोग्राम होगा और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग फास्ट ऑन टू डेथ में जाएंगे लेकिन यहाँ का जो पीस है उसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को वहीं रखेंगे लेकिन हम लोग ज़रूरत पड़ने से हम लोग पार्टी की तरफ से पार्टी का लीडर्स और इंक्लूडिंग मैं भी जा सकता हूँ आमरण अनशन में फास्ट ऑन टू डेथ में। कल तक एक लेटर भेज देंगे और उसके बाद भी अगर हम लोग चाहते हैं कि वो संशोधित रेक्टिफिकेशन आना चाहिए और हमारा बिल वहाँ पे प्लेस होना चाहिए वो हम लोग भेज देंगे।